साथियों आदाब, जय हिंद। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल मेरे चैनल शमय उर्दू हिंदी पे। आज का सबक नंबर 22 कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक नंबर एक पॉइंट है, एक औरत ने अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा खाने के वास्ते दिया। कौवा जो दीवार पर बैठा काय काय कर रहा था, झिप से उतरा और रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ गया। बच्चा रोना चिल्लाने लगा। औरत बच्चे का बिलबिलाना सुनकर ये कहती हुई दौड़ी, कैसा कमबख्त लालची दगाबाज जानवर है। नंबर 4, कौवे ने जवाब दिया कि जो आदमी अपने भाइयों का माल दगा व फरेब या चोरी से खाते हैं, पहले उनको बुरा कहो, वो तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं। बिल्कुल सही बात। अब इसके नीचे एक शेर है, उसे पढ़ लेते हैं। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। बहुत खूब। तो इस कहानी के अंदर हमें यही बताया गया है कि इंसान को दूसरे की बुराई करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि अपने अंदर क्या क्या खामियां हैं, उसी को दूर करते करते उसकी ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। तो ये कहानी थी, एक छोटा मुख्तसर सा किस्सा। तो चलिए इसके बाद अल्फाज मानी है, इसके वो भी कर लेते हैं। अल्फाज मानी है, काहिल, सुस्त, मेहनती, जफाइश, नफा, फायदा, मुसीबत, परेशानी, तमीज, अलग अलग करना। सबक 22 का है ये। बिलबिलाना, बच्चे का रोना, कमबख्त, कम नसीब वाला, दगाबाज, दगा देने वाला, फरेब, धोखा देने वाला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर और खूब से खूब शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। और अगर कभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे जो कायदे के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ, आप उनसे पढ़िए कायदे को। शुक्रिया।